हाय एवरीवन, आज हम लोग रात की बची हुई रोटी से गोलगप्पे बनाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी। ये देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। बस ऐसे ही पानी पूरी आपकी भी तैयार होंगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और सभी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। ये देखिए एकदम मुँह में पानी आ गया ना, बस ऐसे ही पानी पूरी आपकी भी बनेंगी। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बहुत अच्छी अच्छी यूनिक रेसिपीज़ के लिए। तो चलिए अब यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ले ली है रोटियाँ। तो यहाँ पर मेरे पास बची हुई रोटियाँ हैं, आप दिन की रात की कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि ये कमेंट मेरे पास बार बार आता है। आपको सिर्फ बिना ऑयल बिना घी के इसको इस तरह से कपड़े से दबाते हुए एकदम क्रिस्प करना है। मीडियम हाई फ्लेम पर हमें रखना है और दोनों तरफ से दबाते हुए इसको अच्छा सा क्रिस्प कर लेंगे। क्रिस्प हम इसलिए करते हैं जिससे कि हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर सके। अगर हम ऐसे ही चपाती को ग्राइंड करेंगे तो वो पाउडर फॉर्म में नहीं आ पाएगी, इसलिए हमें इसको क्रिस्प करना बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहें तो OTG ओवन में भी इसको थोड़ी देर के लिए बेक कर सकते हैं, लगभग 3-4 मिनट के लिए, और इस तरह से हमको इसको क्रिस्पी कर लेना है। आप देख रहे हैं, बस अब हम इनको ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए हमारी जो चपाती है वो अच्छे से क्रिस्प हो चुकी है। तो अब हम इसको टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और इसको एक मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार में डाल करके एकदम फाइन पाउडर इसका बनाना है। बिल्कुल भी दरदरा नहीं, एकदम फाइन पाउडर ही हमें इसका बनाना है। अब यहाँ पर मेरे पास पहले वाले रेसिपी में वीडियो, अच्छा आप लोग अभी ना काफ़ी बार मेरे पास ये कमेंट आता है कि क्या हम लोग आटा भी ले सकते हैं रोटी की जगह। आप आटा भी ले सकते हैं लेकिन उसका बनाने का मेथड थोड़ा सा अलग होता है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप मेरा गोलगप्पे का वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। इस गोलगप्पे को बनाने का मेथड थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, बिल्कुल फाइन पाउडर हमने बना लिया है, एकदम फाइन है, बिल्कुल भी दरदरा ये नहीं है, एकदम फाइन पाउडर है। अब इसको भी हम एक बार स्ट्रेन कर लेंगे, अगर जैसे कोई रोटी का टुकड़ा इसमें बच गया हो तो वो निकल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें इसको मेजर करना है कि ये कितना है। ये देखिए, तो हम कोई भी कटोरी या कप ले लें, कोई ज़रूरी नहीं है आप कप लें, किस तरीके का कोई भी कटोरी आप ले सकते हैं उससे मेज़र कर लें। तो ये देखिए ये जो मेरे पास कप है इससे ये एक कप है, कोई भी साइज़ का आप कटोरी ले लें, इससे नाप करके हम इसको स्ट्रेन कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हम पूरा इसको स्ट्रेन कर देंगे जिससे भी एक्स्ट्रा कोई भी मोटे मोटे पार्ट्स होंगे ना वो सारे निकल जाएंगे, क्योंकि इससे हमारी पानी पूरी फिर इतनी अच्छी नहीं बन पाएगी, और जहाँ भी अगर मोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे तो वहाँ से जो पानी पूरी है वो फूट जाएगी। और हम उसी कप से नाप करके 1.5 कप सूजी इसमें ऐड कर रहे हैं। ये देखिए उसी कप से नाप लिया हमने, जो भी कटोरी से आप मेजरमेंट करें ना उसी कटोरी से नाप करके 1.5 कटोरी इसमें सूजी ऐड कर दें। सूजी मोटी या बारीक जो भी आपके पास हो वो आप यूज़ कर लें। इसको भी हमने स्ट्रेन कर दिया एक बार, ये देखिए। अब इसके बाद में यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें नमक या ऑयल वगैरह कुछ भी ऐड हमें नहीं करना है, इसमें सिर्फ पानी डालते हुए इसका हमें नरम आटा गूंदना है। जी हाँ, जब हम नॉर्मली गोलगप्पे बनाते हैं तो उसमें हम टाइट आटा गूंदते हैं, लेकिन इस आटे को हमें नरम ही गूंदना होगा तभी इसके गोलगप्पे बन पाएंगे। जब मैंने पहले ये वीडियो अपलोड किया था तो काफ़ी लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, इसलिए मैंने ये वीडियो दोबारा लेकर आई हूँ। इसमें आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसको अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंद लेंगे। अब इस इतना आटा लगाने में, ये जो कप है इस कप से मुझे 2 कप पानी लगा था, लगभग 2-3 टेबलस्पून पानी बच गया था, पूरा पानी इसमें यूज़ हो गया था, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी मात्रा में सूजी डाली है और जो रोटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा पानी एब्जॉर्व कर लेती है। तो ये देखिए इतना नरम हमने आटा अभी गूंदा है। अब हम इसको ढक करके 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि सूजी है ना फूल जाएगी वो, और 10 मिनट के बाद में हम अपनी पानी पूरी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा आटा सेट हो गया है, थोड़ा सा आटा इसमें से हम निकाल लेंगे, बाकी के आटे को ढक करके एक तरफ रख देंगे। और इस आटे को हमें दोबारा से नीट करना है, क्योंकि हमने इसको तब तो ऐसे ही नीट किया था, अब इसको भी एक बार दोबारा नीट करेंगे ना तो एकदम सॉफ्ट ये हो जाएगा और हमारी पानी पूरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो इस तरह से इसको बेलते हुए हमें इसको काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कर लेना है। अब इस आटे में से छोटी छोटी लोई हम तोड़कर तैयार करेंगे, जैसे कि जितने साइज़ की हमें पानी पूरी बनानी है ना उसी साइज़ की हम इसकी लोई बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और अब हथेलियों के बीच रगड़ते हुए इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर एक जगह रख लेंगे। थोड़े से आटे की मैंने बनाई है, बाकी का आटा हमने अभी रखा हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम इसको बेल लेंगे। बेलने के लिए आपको बिल्कुल भी प्रेशर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो आटा है वो नरम है, हमें बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसको बेलना है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। नॉर्मली हम जो गोलगप्पे बनाते हैं उसके लिए हम बिल्कुल पतला पतला बेलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें हल्का सा इसको ठीक रखना है, ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। ज़्यादा पतली होंगी और अगर आपने प्रेशर ज़्यादा लगा दिया तो फिर वो नहीं फूल पाएंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है प्रेशर कम लगाना है, हल्के हाथ से बेलना है और ज़्यादा पतला इसको नहीं करना है। जहाँ भी दबाव पड़ेगा वहाँ से फिर हमारी पानी पूरी फूल नहीं पाएगी। और आप देख रहे हैं किस तरह से मैं पलट कर बेल रही हूँ, दोनों तरफ से पलटते हुए हमें इसको बेलना है। अब यहाँ पर हम अपनी पानी पूरी को फ्राई करते हैं। तो जो हमारा ऑयल है
वो अच्छा गर्म होना चाहिए। अच्छा गर्म मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म हो और ऐसा भी नहीं कि बहुत ठंडा हो, अच्छा गर्म होना चाहिए। ये तलने के लिए जैसे हम फ्राई करते हैं ना, वैसा ही गर्म इसको हमें ऑयल चाहिए। अगर हम ऊपर हाथ रखें ऑयल के ऊपर तो अच्छी हीट आनी चाहिए। इस तरीके से एक पूरी डाली, उसको दबाते हुए हमने इस तरीके से फुला दिया। ये देखिए हाई फ्लेम पर ही हमें इनको फ्राई करना है अच्छा गोल्डन कलर आने तक। इनको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जो नॉर्मली हम पानी पूरी बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि जो हमारे पास रोटियाँ होती है ना उसमें मोइन होता है, क्योंकि इसमें हमें घी डालते हैं ना, घी लगाते हैं, इसलिए इनको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इस तरह से दबाते हुए हमने फुला लिया और इनको अब हम हाई फ्लेम पर दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी ये। तो ये पानी पूरी हम निकाल लेते हैं, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। बाकी की सभी पानी पूरी हम सेम इसी तरीके से बना लेंगे। मैं क्या कर रही हूँ, 6-7 पानी पूरी एक बार में बेल ली है और फिर उनको फ्राई कर लिया, फिर उसके बाद में दोबारा से बेल ली है। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा ये बहुत ज़्यादा इजी भी पड़ती हैं और सारी पानी पूरी हमारी अच्छे से फूल के तैयार होती हैं। तो चलिए सारी पानी पूरी हम बना लेते हैं और फिर इनको सर्व करते हैं। ये भी पानी पूरी बन गई है, कितनी अच्छी लग रही है ना, कितनी क्रिस्पी लग रही है। तो ये देखिए, और ये देखिए पानी पूरी कितनी क्रिस्पी बनी है ना। कोई कह सकता है इनको देख करके हमने रात की बची हुई रोटियों से इनको बनाया है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई यूनिक रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।